नमस्कार माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं मेरे संसदीय क्षेत्र सूरत के एक युवक की समस्याओं के को लेके यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ, जो सारे भारतवर्ष के अन्य युवक युवतियों की भी समस्या हो सकती है। ब्राइट कारकिर्दी के बावजूद नीरव मकवाना करके एक लड़का था, जिसने 10th और 12th में 85 डिस्टिंक्शन के साथ पास किया और उसके बाद में यूनिवर्सिटी से उसने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर पास किया और अपने कारकिर्दी के 25 साल उन्होंने श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए दिए, लेकिन जब वो नौकरी के लिए अप्लाई करता है तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है, तो जिसके कारण ना तो वो दिव्यांग की श्रेणी में आता है ना तो वो कहीं जॉब कर पाता है। तो हमारे सरकार, उन्होंने बहुत आशा से प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा, जो उन्होंने कंसर्न मिनिस्ट्री के तौर पे एजुकेशन मिनिस्टर को लिखा, लेकिन वो एजुकेशन का मसला नहीं है। जब तक वो पढ़ा तब किसी ने बताया नहीं कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है। जब उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया और जब उसका सर्टिफिकेट आया तब उसे पता चला। और 1995 में और RPW की एक्ट 2016 के अंतर्गत ऐसे हजारों आशावान युवक युवती होंगे जिसको दिव्यांग की श्रेणी में नहीं गिने जाते। और ये दिक्कत ये है कि उनको जब आंखों में कुछ पिगमेंट बचपन से कार्यरत होने की न होने की वजह से कुछ कलर्स आंखें पहचान नहीं पाती या देख नहीं पाती, जब उसका कम दिखना दिव्यांगता का भाग है तो उसी तरह ये बीमारी अन्य बच्चों में भी हो सकती है। तो मेरी मांग है कि पूरे तीनों मंत्रालय, जैसे सामाजिक अधिकारी मंत्री ने भी मुझे बोला था, डॉक्टर साहब को भी मैंने कल बोला था, उन्होंने बोला मैं सर्वे करके बताऊंगा, और एजुकेशन में, क्योंकि इतनी अच्छी कारकिर्दी के बावजूद भी वो कहीं नौकरी नहीं कर पाता। श्री जी, धन्यवाद।